तो हेलो व्हाट्सएप गाइस, इस वीडियो में ये वॉर का है जिसमें मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था। तो ये वीडियो मेरा इतना अच्छा गया कि क्या बताऊं। तो आप अगर मजा आएगी, जैसे कि यहाँ पे वेक्टर वाला पहले उसे मारे, लेकिन वेक्टर की गोलियाँ प्रॉब्लम होती है। जब उसे मारे तो नाइन गोली इसको मारा, जब नॉक करा और वो जो अंदर बंदा हुआ बैठा मारने, लेकिन पता नहीं कैसे हटने के बाद भी मुझे गोली पड़ती है, मेरी हेल्थ कम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि हील कर लें फिर उसको मारे कि आराम से मुझे वहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह खड़ा था। तो इसे भी हम उसको जब मैंने लिखा उसके पास निकली थॉम्सन, और थॉम्सन में तो जैसे आप जानते ही हैं 50 गोलीज होती हैं। तो 50 गोली में खेलने में तो अगर 3-4 भी बंदे हो तो आराम से फ्री फाइट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे फिर एनिमी को ढूंढ रहा था, तो ऊपर एक बंदा था, मुझे फुट स्टेप्स आ गए थे। तो मैंने सोचा नेट मारे, लेकिन ये नेट इतना बेकार वापस था। तो मैं सीधा उनके ऊपर रश करने का सोचता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ ऊपर जा रहा होता हूँ तभी यहाँ पे दो बंदे हो, इतना बिजी था लेट के कि क्या बताएं। और ये जो था इसमें मुझे एकदम से शॉट पड़ता है, तो मैंने उसकी पोजीशन देख ली, घर में था। तो पहले मैंने हील करना ठीक समझा, तो मैं यहाँ पे आके हील करने लगता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने सोचा कि अगर बाहर फुटस्टेप आ रहे थे तो इसे भी हम मार देते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसका रेवेंट का हेलमेट है, लगता है सही आता किसने ड्रॉप होती है। फिर मैंने सोचा कि प्रायोरिटी इस पूरे वीडियो में मैंने हीलिंग कर दी। तो यहाँ से जब हील करके मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैंने सोचा इसको लूट लेते हैं, क्योंकि थॉम्सन की गोलियाँ भी कम पड़ रही थी। उसके बाद हमने जब देखा तो इसके पास काफ़ी सारी गोलियाँ थी, उसकी आवाज़। और फिर इसे भी हम मार देते हैं। फिर यहाँ पे जो बंदे होते हैं पहले कैसे होते हैं, जैसे इन्होंने इसको मुझे मारने के लिए चुना था, जैसे ये भी इसको मार मारते हर बार आते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है तभी देखने की एक बंदा एकदम से आता है, कमरे में घुस जाता हूँ और जैसे शॉट्स देता है तभी मेरी गन की बुलेट्स भी रिलोड होने लगती है, तभी मैं यहाँ पे रख के इसको आराम से देते हैं। हाँ, ये भी मेरी काफ़ी हेल्प हो गया। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हील कर लें ताकि कोई और आए तो उसे मार तो सकते, लेकिन जब हीलिंग ही ना हो तो कई बार हीलिंग कम होने की वजह से मैं मर जाता तभी हील करा। अब यहाँ से जाके मैं सोचा उसको पहले किल करते, लेकिन आधे का किल है। अब जब ऊपर जाते हैं तो मैंने सोचा कोई बंदा कोई आ नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा लूटिंग भी लूटिंग कर ली क्योंकि मेरे पास वेस्ट वेस्ट भी बहुत डैमेज उसकी थी। अब धीरे धीरे फुट स्टेप आ रहे थे, लग ही रहा था तभी मैंने जंप करा था। तो आप भी ऐसा ही करें, अगर आपको ऐसा लग रहा कि कोई दरवाजे के पीछे बैठा है तो आपको भी जंप करेंगे, पोजीशन नहीं समझ आता। और ये बंदा सोच रहा था भी कर नहीं, अपनी पोजीशन हमेशा बदलते रहें ताकि एनिमी कंफ्यूज होता रहे। तो यहाँ पे मैं दूसरा मेडकिट लेते रहें ताकि अगर कोई भी आ जाए तो थॉम्सन तो चाहिए ही, और अपनी बुलेट ज़्यादा रहेंगी तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े नेट की आई थी, लेकिन उसका नेट आया होगा तो मैं रूम में रहना ज़्यादा बेटर समझा। फिर यहाँ से इसको थोड़ा सोचा मेडकिट ढूंढ लूँ, उसके पास दो मेडकिट थी इस बंदे के पास। अब यहाँ से फिर जब फुटस्टेप्स आए, स्ट्रॉन्ग आ रहे थे काफ़ी, पता नहीं क्यों हील करने लगा था अपने आप ही। तो यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो एक अच्छा लगा नहीं, लेकिन उसमें यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी क्लोज फाइट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं सोचा कि बहुत चीज़ा खेल रहा था। तो यहाँ पे आप देख लेने के लिए क्या करने के लिए बार बार आ रहे हैं, तो इन्हें भी हम आराम से मार देते हैं। तो यहाँ पे हील करने लगे, फिर यहाँ से इसके बंदे का कुछ बढ़िया हो, लेकिन आज कुछ अच्छा था ही नहीं। तो यहाँ से फिर हल्के हल्के फुटस्टेप्स आने बंद हो गए, मैं सोचा कि बंदे नहीं आ रहे हैं, तभी एकदम से एक के फुटस्टेप्स आए। तो यहाँ बाहर जाके देखा तो यहाँ भी नहीं था, तो मैंने देखा वो यहाँ से, तो इसने पता नहीं मुझे हवा में शॉट दिया, लेकिन आफ्टर ऑल ये मुझे मार नहीं पाया। तो यहाँ पे कोई आसपास मेरे बुलेट्स आ रहे, तो मैंने कवर लेने के लिए घर के अंदर भाग गया। फिर यहाँ पे धीरे धीरे छत पे एक बंदा कैंप कर रहा था, और ये इतना नूबड़ा कैंपर था कि यहाँ पे ये एक मेरी एक हेल्थ नहीं ले पाता है, एक एचपी भी नहीं ले पाता है। आ जाते हैं,
तब देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे 11 किल्स हो गए हैं, जबकि सोलो वर्स स्क्वाड का मैच है, तब भी मैं कितना अच्छा खेल रहा हूँ। ज़्यादातर मैं सोलो वर्स स्क्वाड क्योंकि स्क्वाड के जो बंदे होते हैं उनको ज़्यादा भरोसा नहीं, हील नहीं करते हैं, किल चुरा लेते हैं, तो सोलो वर्स स्क्वाड ही खेलते हैं। स्क्वाड वर्स स्क्वाड बहुत कम खेलते, जैसे 100 में एक आधा मैच हो गया, तो यहाँ पर फिर बंदों की फुटस्टेप्स आ नहीं रहे, मैं सोचा किल मिल नहीं रहा है। अभी तक तो नंबर 1 पे थे कि नंबर 2 पे ना हो जाए, तो यहाँ पे जा जाके मैं फुटस्टेप और बंदों की लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पे मुझे लगा कि आप थोड़ा डर के नहीं जाके सीधा फाइट ले लेनी चाहिए, तो यहाँ से निकलते हैं। फिर बंदा था तो इसने थोड़ी हेल्थ हेल्थ थी, अच्छा खेल रहा था, लेकिन हमको लग रहा है आ रहा था बदला, लेकिन इसके टीम मेट पता नहीं इस बार कहाँ रह गए। मेडकिट इस मेरे पास बहुत सारी थी, अच्छा इसने भी मेडकिट दे दी, ये मेडकिट ले ली। अब यहाँ से फिर फुटस्टेप्स आने एकदम बंद हो गए, तो साउंड आ ही नहीं रहा था। अब जैसे ही ऊपर ऐसे लिख के आ गया, जब भी मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आते थोड़ा लैग करने लगता है, तो मुझे डर लगने लगा, तो मैं यहाँ से थोड़ा बाहर आके देखने लगा। तो जब यहाँ से बाहर आए तो देखा कि यहाँ कोई बंदा आ ही नहीं रहा, तो मैं सोचा बाहर जाके थोड़ा सीधा राउंड फाइट ले लेते हैं। तो वहाँ जाते तो मैं सोचा छत पे जाके देखे, तो एक बंदा देखे सांप बना उस घर की छत पे ले गया, ट्वेंटी बुलेट्स पड़ी हुई उसमें, मरा ही नहीं। मैं सोचा कहीं उसे ओपन में मार ना दे, खेल ना दे, तभी मैं यहाँ आ गया। यहाँ देखेंगे तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कोई आसपास आया है, मैंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, तो पता नहीं कहाँ था वो बंदे की लोकेशन समझ नहीं आती, बस फुटस्टेप्स आ रहे थे लेकिन बंदा कहाँ ये नहीं समझ रहा था। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि अभी तक इतना अच्छा खेला है कि बंदा के मार ना दे, मरे नहीं जा रही। तो मैं सोचा ऊपर आके चिक्की कर लेते हैं कि वो स्टेयर्स पे तो था नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो वो बंदा शायद समझ नहीं आता, वो बंदा वो रहा वहाँ पे, उसको एक मार उसको मैं नॉक करा था, लेकिन आपकी गोली दोबार मार देता था नॉक उसका, तब वो अपना किल भाई हम कैसे दे दें। अब साथ साथ हमने इसका भी किल चुरा लिया। तो अब इसके बाद से यहाँ पे थोड़ा बंदे आने कम हो गए, इसको ही मार दिया, लेटा था नॉक कर दिया किसी ने, बंदे आने कम हो गए लगता है शायद मेरा खौफ था, क्योंकि देखिए इस दिन स्क्वाड हाउस में मैं अभी तक एक बार भी नहीं मारा हूँ। हैशटैग बैन पे चल रहा हूँ कि सोलो वर्सेस स्क्वाड का बहुत कम मैच है। तो अब यहाँ पे मैंने सोचा बंदे आ नहीं रहे, बंदे ने अपनी लोकेशन बदल दी, मैंने सोचा बंदे कहाँ जाने के लिए, देखा तो फोन आ रहा था, मैंने वहीं जाने का फैसला किया। तो मैं सोचा वहाँ पे देखिए वहाँ पे थोड़ा ड्रॉप के पास फाइट हो, तो मैं सोचा सिर्फ फ्री फायर एक भी शॉट नहीं पड़ता है, तो मैंने ड्रॉप है वहाँ पे M249 का फिर से साउंड आने लगा, तो मैं वहीं जाने की तैयार हो गया। अब मैं वहाँ जा ही रहा था कि तभी मेरे को शॉट एकदम शॉर्ट पड़ने क्या हो रहा है, कौन मारा है यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब देखा तो ये बंदा था जो शॉट्स मार रहा था, पहले हील कर लें फिर उसको आराम से खा जाते हैं, लेकिन एक बंदा होता है लेकिन वो बंदा होता है इसको तो मार दिया, वो देखिए साला कितना छत पे बैठा था उसने हमको मार दिया। चलिए कोई बात नहीं, इतनी देर से पहला किल है, स्क्वाड हाउस पूरा कॉन्कर कर रखा था, तो मैं सोचा जाके पहले से बदला लेते हैं। वीडियो थोड़ी क्लिक और कर दी है ताकि आपको स्प्लिट कर दी ताकि आपको बोर ना हो, तो यहाँ पर मैं बदला लें कि सारे फुटस्टेप्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कहीं से हमने लोकेशन चेंज तो नहीं कर दी। तो यहाँ से जाके देखा कि यहीं पे था, इतना लूट था कि ये बीच में था, तो यहाँ से अब देखिए थोड़ा बीच में गड्ढे में फंस गया, अब यहीं पे आ गया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से किल कर दिया। और इस बंदे को तो मैंने हवा में ही नॉक किया, तो मैंने सोचा यहाँ पे ये थोड़े थोड़े फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो कहीं छत पे स्क्वाड हाउस में तो कैंपिंग नहीं कर रहा है, कहीं क्या पता फिर से कोई अपना बॉट भाई बदला लेने आया हो। तो जब यहाँ पे गए तो देखा यहाँ पे कोई कैंपिंग नहीं कर रहा था, तब तो मैं सोचा यहाँ पे बंदे बंदे तो आ नहीं रहे, वहाँ पे ऐसे लैंड का तो मैं सोचता उससे कुछ वो घर के अंदर चला जाता है, तो हम फिर अब चल पड़ते हैं उसी को मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बंदा था नहीं, मैंने कोशिश भी करी तो नहीं, एक बंदा वो भागता हो जा रहा है, तो इसे तो शॉट दिए, तो अच्छा बंदा था अरे नीचे आ जाता है इसी गलती से, जब भी ऐसा कोई बंदा हो तो सिंपली मैं नीचे कूद जाता हूँ और आप अंदर ना घुसें। यहाँ मैं देख रहा था अंदर की पोजीशन तो ऐसे आता है, मैं समझ गया कि गेट खोलने वाला है, गेट नहीं खोला, उसे खोलने दिया और इस बात का एडवांटेज लेके उसको मार दिया। तो
गाइस अभी आगे बहुत मजा आने वाली है। सब देखने वाली थॉमसन की गोली खत्म होने वाली, और मैंने इस बात पर ज़रा सा भी नोटिस नहीं करा था, और दूसरी गन भी नहीं उठाई। तो अभी मतलब कुछ साउंड आ रहा था लेकिन काफ़ी दूर से आ रहा था, कोई आसपास था नहीं। उसका एक बार स्क्वाड हाउस में चेक कर लें, लेकिन ये कोशिश बेकार थी, यहाँ कोई निकला ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि नंबर टू पे आ गए, उससे नंबर टू पे आ गए कि आप बंदे नहीं आ रहे, उन्हीं की वजह से है। तो उससे वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ड्रॉप कस काफ़ी सारे बंदे हैं, तो मुझे उनके फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ से फिर हम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब मैं यहाँ से जा ही रहा था, तो मैं यहाँ से पता नहीं क्या लैग होता है, एकदम से स्क्वाड हाउस के फिर से पास आ जाता है। तो वहाँ पर देख रहा था कि आसपास कोई बंदा तो नहीं जो मुझे आराम से खेल दे। तो तभी मैंने देखा कि वहाँ पर एक बंदा देखिए साइड से जा रहा था, जहाँ पर मेरी गन का घात। मैं सोचा इसको पहले इस घर में जाके मारे, फिर मैंने अभी ये अभी इतना मज़ा आने वाली है। तो मैंने यहाँ से देखा और ये पता नहीं क्या उससे उसके ऊपर आ गया। अब देखिए मेरे पास एकदम फटी, तो यहाँ से जाते हैं। अब ये है, अब मुझे मारा ना करें तो करे क्या, ना मेरे पास हीलिंग है, ना कोई गन है, ना एमओ है, एमओ भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने इसको इतना, ये इतना बॉट था कि मैं इसको नेट से मार देता हूँ। अब नेट से तो मार दिया, लेकिन यहाँ पे बंदे बहुत सारे थे और बस बुलेट से एक भी नहीं। तो मैंने देखिए इस घर में देखिए दो बंदे हैं, तो मैंने सोचा कहीं वो मुझे मार ना दे, तो यहाँ से भागना ठीक रहता। लेकिन अब वो बंदा भी है, मुझे शॉट मिल रहा है, तो थोड़ा सी बंदा है इधर लेफ्ट से भी है, राइट से भी सैंडविच हो गया था पूरा। अब यहाँ से मैं सोचा समझ नहीं आता, क्योंकि हीलिंग होती तो भी कुछ कर सकते थे, ना नेट था। तो यहाँ के मैं सोचा यहाँ पर बैठ जाते, अगर वो आएगा तो इधर से नीचे कूद जाएंगे। अब वो बंदा इतना क्या होता है, उसने देखिए नेट फेंका, तो मैंने देख लिया आराम से। अब इस नेट को उसने फेंक नहीं करा था, तो इसी का फ़ायदा उठा के मैं यहाँ पे आके आराम से बैठ जाता हूँ। तो तभी कभी भी दोस्तों आप नेट फेंकें तो उसे हमेशा कुक करके फेंकें, इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अब ये बंदा देखिए नीचे सारा, यहाँ तीन चार बंदे हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं, पूरा एक स्क्वाड है, और एमओ मेरे पास एकदम। यहाँ किसी ने गेट खोला लेकिन पता नहीं यहीं कहीं होगा, तब देख सकते हैं आ गया था। क्या कर, यहाँ से सीधा सिंपली जंप कर दिया। अब ये बंदा एक साथ जंप कर देता है, लेकिन इसने नेट फेंक दिया, इसने अपने दोस्त को ही नॉक कर दिया। अब देखिए रिवाइव करने आता है, तो अब क्या करें, सिचुएशन इतनी ख़राब थी, एमओ मुद्दत नहीं, सबको मार सकते थे, पूरा स्क्वाड वाइप करा देता, लेकिन एमओ थी नहीं, और मैंने देखा ही नहीं कि एमओ ख़त्म हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि स्क्वाड हाउस में तो बंदे आ नहीं रहे, यहीं पर आते हैं। तो जब जंप करके सिंपली यहाँ पर आए, तभी मैंने तो आपसे बता रहे कि आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि एमओ आपके पास पूरी रहे, और जैसे कि उसने नेट बिना कुकिंग के फेंक दिया तो मैं बचा, तो आप भी ऐसी गलती ना करें, नेट को हमेशा कुक करके फेंकें। जैसे तीन या चार सेकेंड बचे हों तभी फेंकें, जैसे मैंने फेंका था 3 सेकेंड पे। अब यहाँ पे इतनी बेकार गन मिली थी वेक्टर, क्या बताएं, मतलब इसे इतनी बेकार लगती, तो इसमें इतनी और ऊपर बहुत जल्दी रिलोड लगती है, डैमेज बहुत कम लगता है मुझे। यहाँ से कोई मारने लगा, मैं समझ गया आस पास वही बंदे हैं जिन्होंने, तो जब भी कोई बंदा है मैं इसकी विषय आ गया। अब यहाँ मैंने कवर लेके हील करने की सोच रहा था, तो ये बंदा थोड़ा लाइट आ रहा था, मैंने अपनी गन रिलोड करने के लिए नेट से मारने के लिए सोचा। अब वो बंदे के इधर के चार तीन टीम बंदे थे, चार सब स्क्वाड था, पास गन नहीं थी। तो अब यहाँ से तब भी अब सेकेंड आएगा, यही स्क्वाड मुझे फर्स्ट होगा। तो अब मैं